जय हिंद एवरीवन। सीबीएसई लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो फेक यूट्यूबर्स हैं, जो फेक वेबसाइट्स पर अलग अलग नोटिफिकेशन अपलोड करते रहते हैं, सीबीएसई का नाम यूज करके सर्कुलर जारी करते रहते हैं, उनको लगातार एक्सपोज करने की कोशिश करती है। लेकिन हम भी नहीं सुधर रहे हैं और लोग भी नहीं सुधर रहे हैं। हम लगातार वही सर्च कर रहे हैं कि हमारे डेट शीट क्या होंगे, हमारे रिजल्ट कब आएगा। सीबीएसई लगातार आपको बताती रहती है कि जो भी चीज़ें हमें अनाउंस करनी है हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर करेंगे, हम अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई यूट्यूबर्स अपने घर से सीबीएसई का रिजल्ट आपको बताएगा? कोई यूट्यूबर्स आपको अपने घर से सीबीएसई के टर्म टू का डेटशीट बताएगा? भाई वो कैसे बता देगा? हर दिन आप देखेंगे कि लोग आपके लिए लाइव खोलकर बैठते हैं, हर दिन आपको लोग सीबीएसई का रिजल्ट बताते हैं, हर दिन आपको लोग सीबीएसई के टर्म टू का डेट बताते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आपको भी इस चीज को समझना होगा कि आपको अपने एग्जाम, अपने करियर, अपने लाइफ में जो भी करना है उसकी पढ़ाई करनी है। आप हर दिन वही चीज क्यों सर्च कर रहे हैं? अगर लोग आपको गलत न्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं तो उनको रिपोर्ट करिए। अगर किसी के पास सही अपडेट नहीं है तो क्यों वो अपडेट दे रहे हैं और वो आप अपडेट वो क्यों सुन रहे हैं? लगातार सीबीएसई कोशिश कर रहा है कि आप फेक न्यूजेस से बचें। आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई पर लगना चाहिए, आपका ध्यान जो है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर लगना चाहिए। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स भी आपके लिए यही वीडियो बनाते हैं कि भैया सीबीएसई का रिजल्ट इस दिन आएगा, सीबीएसई का रिजल्ट सुबह शाम में आएगा, सवेरे आएगा, शाम में आएगा। अरे कब आएगा भाई? आएगा नहीं आएगा आपको क्या मैटर करता है? आपका ध्यान ये होना चाहिए कि भाई जब भी आएगा मुझे सीबीएसई बताएगी, जब भी आएगा मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। प्लीज फेक न्यूज सर्कुलेट मत करिए, फेक न्यूज से बचिए। अगर आपको कोई डेट के बारे में कुछ भी अनाउंस करता है, कुछ भी एक्सपेक्टेड बताता है, जब तक सीबीएसई आपको नहीं बताती, प्लीज प्लीज उसको रिपोर्ट करिए। सीबीएसई ने एक फेक यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिया है कि एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है बच्चों के बीच में कि 4 मई से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, मार्च में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, 10th और 12th के जल्दी ही आपको डेट शीट अनाउंस होगी। जबकि सीबीएसई लगातार, इसके पहले भी आप देख पाएंगे कि सीबीएसई ने एक कुछ दिन पहले एक फेक इसी तरह से लोगों को दिया था कि रिजल्ट को लेकर कुछ यूट्यूबर्स लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, तो ये काफ़ी पीछे चला गया होगा। लेकिन सीबीएसई लगातार कोशिश कर रही है कि आपको बचाया जा सके, आपको कि आप किसी भी तरह की चीज़ों में फंसे ना। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को सर्कुलेट ना होने दें। आप लगातार इंतज़ार करिए सीबीएसई के ऑफिशियल अपडेट का और वही आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि लोगों को तक सही न्यूज पहुँचे और लोग इन सब सारी चीज़ों से बचे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।